Hello friends, I am Anil. Today we are going to discuss a new topic which is related to economy, about the India's foreign reserves. Because despite the lockdown and economic slowdown, the India's forex reserve surging. Why? The situation of the glooming and economic front, GDP growth is a contraction mode of the first time in the 40 year. 40 साल में पहली बार इतना श्रिंक कर रहा इंडिया जीडीपी. मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ट्रेड एट ए स्टैंड स्टिल बट द इंडियन फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व आर राइजिंग एंड आर सेलेक्टेड टू हिट 500 बिलियन मार्क सून. अभी कितना है? 493.84 बिलियन. तो एक क्यों ये बढ़ रहा है? व्हाई इंडिया फॉरेक्स रिजर्व राइजिंग अमिड द जीडीपी इज श्रिंकिंग. इससे पहले हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली होता क्या है, व्हाट आर द फॉरेक्स रिजर्व. अगर समझ जाए तो क्लियर हो जाएगी पिक्चर कि व्हाई इज राइजिंग. व्हाट आर द फॉरेक्स रिजर्व? फॉरेक्स रिजर्व आर द एक्सटर्नल एसेट, बाहरी एसेट होता, जैसे यह गोल्ड के फॉर्म में होता है, एसडीआर होता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, एमएफ द्वारा एक कोटा के द्वारा प्रत्येक कंट्री को एक निर्धारित किया जाता है वो एसडीआर. फॉरेन करेंसी एसेट होगा, एफडीआई होगा किसी माध्यम से, या एफडीआई एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग. फॉरेन करेंसी एसेट में कैपिटल इन फ्लो ऑफ द कैपिटल मार्केट, एफडीआई एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग हो गया. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से ऑफिशियल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हेल्ड इन द सपोर्ट ऑफ रेंज ऑफ ऑब्जेक्टिव लाइक सपोर्टिंग एंड मेंटेनिंग कॉन्फिडेंस ऑफ पॉलिसीज फॉर द मॉनेटरी एंड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट इंक्लूडिंग द कैपेसिटी टू इंटरवीन द सपोर्ट ऑफ द नेशनल एंड यूनियन करेंसी. तो ये फॉरेक्स करेंसी क्या होता है? विदेशी मुद्रा भंडार, इसको हिंदी में बोलते हैं. ये होता है गोल्ड हो गया, एसडीआर आईएमएफ द्वारा एक कोटा निर्धारित प्रत्येक मेंबर कंट्री को किया जाता है. इंडिया का 2% something है परसेंटेज, और उसके पास जितना रिजर्व होता है उसका 2% इसके पास एक राइट होता है. फॉरेन करेंसी में 5 फॉरेन करेंसी है, या एसडीआर इंडियन ड्रॉइंग राइट्स ऑफ द एमएफ. सबसे ज्यादा यूएस का 16% something है. फॉरेन करेंसी एसेट एफडीआई आ गया किसी में, या एफआईआई हो गया. ये सारी चीज जोड़ के एक फॉरेक्स रिजर्व बोला जाता है. ओके, क्लियर? व्हाट आर द फॉरेक्स रिजर्व? नाउ विल सी व्हाई आर फॉरेक्स रिजर्व राइजिंग. ये क्यों बढ़ रहा है? व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे कारण क्या है? The major reason for the rise of forex reserve is the rise in investment in foreign portfolio in investors in Indian stocks में जो FII है, foreign portfolio investor FPI, foreign and foreign direct investment FDI है. बहुत सारी कंपनी है जो हमारे several Indian company के stake को खरीद रहे हैं. Foreign had acquired the stake in the several company in the last 2 months. अब एक इसका उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको एफडीआई का, चूंकि जियो और रिलायंस में जो हुआ है उससे 97,000 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट किया गया है. फॉरेक्स इनफ्लो आर द सेट राइज अक्रॉस 500 बिलियन एज रिलायंस इंडस्ट्री सब्सिडियरी जियो प्लेटफॉर्म हैज विटनेस्ड ए सीरीज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट टोटलिंग 97,000 करोड़. तो ये सारी चीजें इंडियन भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में आ रही है, फॉरेक्स रिजर्व में आ रही है. ऑन द अदर हैंड फॉल ऑन द क्रूड ऑयल प्राइस में भी कमी हो रही है. एक वीडियो में बनाया था कि $0 हो गया है क्रूड प्राइस, तो उसमें भी इंपोर्ट में जो तेल हम लोग मंगाते हैं उसमें भी फॉरेक्स रिजर्व का यूज होता है, वो भी यूज ज्यादा नहीं हो रहा है. उसी तरह ओवरसीज रेमिटेंस फॉरेन ट्रेवल आर फॉलन स्टीपली 61% अप्रैल फ्रॉम 12.87 बिलियन, और ऐसा माना जा रहा है कि जून में ये और आगे बढ़ेगा. ठीक है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? इस सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, इस बढ़ने से क्या मुझे फायदा होगा? द राइजिंग फॉरेक्स रिजर्व आर गिव ए लॉट टू कंफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन मैनेजिंग इंडियाज एक्सटर्नल एंड इंटरनल फाइनेंशियल इशू.
एट द टाइम द इकोनॉमिक ग्रोथ इज सेट टू कॉन्ट्रैक्ट 1.5% इन 2020-21। यह हमें बहुत मदद करेगा रिजर्व बैंक कोई इंटरनल इंडियाज एक्सटर्नल और इंटरनल फाइनेंशियल इशू है, इसे सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ अभी 1.5% होते जा रहा है, कंट्रैक्ट हो गया, सिकुड़ गया है। इट्स बिग कुशन ऑफ द इवेंट्स ऑफ एनी सीरीज ऑफ द इकोनॉमिक फ्रंट एंड एनफ टू कवर द इंपोर्ट बिल ऑफ द कंट्री फॉर द ईयर। द राइजिंग रिजर्व हैव ऑल्सो हेल्प द रूपी टू स्ट्रेंथन अगेंस्ट डॉलर, पैसा मजबूत होगा डॉलर के अपेक्षाकृत, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जीडीपी रेशियो इज अराउंड 15%, जीडीपी रेशियो का 15% है अराउंड फॉरेन रिजर्व, तो जितना हमारे पास फॉरेन रिजर्व होगा उतना ही मेरा पास रुपया मजबूत होगा, क्योंकि इंपोर्ट वगैरह कहीं विदेशी काम करने के लिए फॉरेक्स रिजर्व की जरूरत पड़ती है, जो कि डॉलर, युआन, स्टर्लिंग पांच करेंसियों में होता है, जनरली करेंसियों में ही होता है, डॉलर जिसका प्रमुख होता है। इंडिया रिजर्व विल प्रोवाइड द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ मार्केट दैट कंट्री कैन मीट एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन, डेमोंस्ट्रेट द बैकिंग ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय एक्सटर्नल एसेट्स, assist the government in meeting its foreign exchange need and external debt obligation and maintain a reserve for national disaster and emergency। वहाँ भी यूज किया जा सकता है रिजर्व को, नेशनल डिजास्टर, जो अभी कोविड चल रहा है, कोविड इज ऑल्सो नोटिफाइड नेशनल डिजास्टर। What does the RBI do with the forex reserve? RBI इसके साथ क्या करेगा? रिजर्व बैंक फंक्शन एज द कस्टोडियन एंड मैनेजर ऑफ द फॉरेक्स रिजर्व, या गार्जियन है, इसी के कस्टडी में रहता है और मैनेजर भी है फॉरेक्स रिजर्व का, एंड ऑपरेट विद इन द ओवरऑल पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीड अपॉन विद द गवर्नमेंट, और इसको ऑपरेट करता है गवर्नमेंट के साथ, पॉलिसी जो बनाई जाती है उसके अनुसार। आरबीआई एलोकेट द डॉलर एंड स्पेसिफाई पर्पस, फॉर एग्जाम्पल अंडर द लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम इंडिविजुअल आर अलाउड टू रिमिट द 215,000 एवरी ईयर, आरबीआई यूज इट्स फॉरेक्स किटी फॉर द ऑर्डरली मूवमेंट फॉर द रूपी, वहीं एलोकेट करता है डॉलर को स्पेसिफाइक पर्पस को, पर्पस के लिए। इट सेल डॉलर व्हेन द रूपी वीकेन, जब रुपए जो कमजोर होता है तो वह डॉलर को सेल करता है, डॉलर को बाई करता है जब रूपी स्ट्रेंथन होता है, मजबूत होता है, तो ये सारी आरबीआई इसके साथ करता है। नाउ वेयर आर इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व केप्ट, या कहां रखा जाता है? ऑब्वियस है आरबीआई के पास, बिकॉज आरबीआई एक्ट 1934 प्रोवाइड द ओवर आर्चिंग लीगल फ्रेमवर्क फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ रिजर्व इन द डिफरेंट फॉरेन करेंसी एसेट एंड गोल्ड विद इन ब्रॉड पैरामीटर ऑफ करेंसी इंस्ट्रूमेंट इशूअर एंड काउंटर पार्टीज। एज मच 64% ऑफ द फॉरेन करेंसी रिजर्व इन हेल्ड इन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में जैसे ट्रेजरी बिल ऑफ द फॉरेन कंट्री, मेनली यूएस का सबसे ज्यादा डिपॉजिटेड इन फॉरेन सेंट्रल बैंक। 7.4% इज ऑल्सो डिपॉजिट इन कमर्शियल बैंक अब्रोड अकॉर्डिंग टू आरबीआई डाटा, 74% कमर्शियल बैंक अब्रोड में भी है, आरबीआई डाटा कहता है। इंडिया ऑल्सो 653 टन ऑफ गोल्ड एज मार्च, 653.01 टन गोल्ड मार्च तक इंडिया के पास था, एंड 360.71 टन बींग हेल्ड ओवरसीज ऑफ सेफ कस्टडी विद द बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, वाइल द रिमेनिंग गोल्ड इज हेल्ड डोमेस्टिकली, और बाकी गोल्ड जो है वह डोमेस्टिकली है, घरेलू माने इंडिया के पास है। ठीक है, तो ये सारी हम लोग ने देखे कि क्या होता फॉरेक्स रिजर्व, व्हाट इज द फॉरेक्स रिजर्व, व्हाई फॉरेक्स रिजर्व राइजिंग, Who kept the forex reserve? What is the significance of forex reserve? Where are the forex reserve kept? ये सारी चीज़ देख ली। आई होप द क्लियर रिगार्डिंग दिस न्यूज, बिकॉज दिस न्यूज एंड सो मेनी आर्टिकल अपियर्ड राइट नाउ इन द वेरियस न्यूज पेपर, स्पेशली इन द इंडियन एक्सप्रेस। सो आई होप इट्स क्लियर अबाउट द इंडिया फॉरेक्स रिजर्व राइजिंग, वाई इट इज राइजिंग। Okay, thank you. Thanks for watching. If you like this video, then subscribe it, like it, and share it. Thank you. Have a good day.